तो ये बोला है कि देखो अभी जो है ना, जैसे वेंटिलेटर पे भी पता है क्या होता है, धीरे धीरे हटाया जाएगा। मतलब जो सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है मेरे भाई को वेंटिलेटर के थ्रू, जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो धीरे धीरे मतलब उसको कम करेंगे, एकदम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना मेजर सर्जरी हुआ है। और देखिए मेरे भाई का भी क्या है ना, वो उस कौन वो मतलब आप लोगों ने, मतलब मैंने बोला था एक वीडियो में सेमी कोमा वाला, तो आप लोगों का माइंड में था कि सेमी कोमा क्या। देखो सेमी कोमा का मतलब होता है कि मतलब देखो वो मेरी बात सुन पा रहे हैं, मेरा भाई मेरी बात सुन पा रहा है, उसको समझ आ रहा है कि हाँ निधि बोल रही है, मेरी बहन है, कानों में सब कुछ मतलब सुनाई दे रहा है। और वो रिस्पॉन्स की केस में क्या है ना, वो रिस्पॉन्स कोशिश कर रहा है रिस्पॉन्स देने की, मतलब इतना है कि देखो उसने आँख ऐसे ऐसे देखो हल्की सी छपछपा रहा है, या मुंह से साउंड निकालने की कोशिश कर रहा है हो टाइप में, इस तरीके से। तो वो इसको मतलब क्योंकि जो कोमा कंप्लीट कोमा होता है उसमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकता पेशेंट, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये बात जो मुझे सेमी कोमा वाली थी, मैं जिस दिन गई थी ना, फर्स्ट डे गई थी, उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं सेमी कोमा। सेमी कोमा मतलब कंप्लीट, मतलब मिड ऑफ कोमा, मतलब ये है कि रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बहुत माइनर कुछ कुछ, ठीक है। तो वो उस दिन की बात थी जो मैंने बताई थी, ठीक है। तो अभी मेरे भाई का क्या है ना, जैसे उसका मतलब डॉक्टर अभी फिजियोथेरेपी उसकी स्टार्ट कर दी है, कल कल बोला था कि कल से थोड़ी थोड़ी शुरू कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि अब देखो ना, क्योंकि ब्रेन का जो भी है उसे पूरी बॉडी को फिर से चलना सब कुछ फिर से मतलब चीज़ें करना वो सिखाना पड़ता है दोबारा से। तो अभी भी मेरे भाई का क्या है कि अभी उसको जैसे कल 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 मेरे को उसने पहचानना है, मेरे भाई ने मेरे को पहचानना है, जैसे जैसे वहाँ विजिटिंग आवर्स में जैसे मैं खड़ी थी ना, तो डॉक्टर जैसे उसके ना ऐसे एकदम से ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे आंखें खोलो करके, तो वो ऐसे करके उसने हल्की सी कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ऐसे आंखें खोली, 2-3 सेकंड के लिए ऐसे खोली। तो उसने मेरी मैंने मेरे मैंने बोला, मैंने कहा तूने मेरे को पहचान लिया, मैं तेरी बहन हूँ निधि बोल रही हूँ। उसने उसने ना मतलब अभी बोल नहीं पा रहा है, बट उसने आंखों से ऐसे किया, मतलब आंखों से इशारा किया कि हाँ मैंने पहचान लिया है, इस तरीके से। तो इतना है वो मतलब रिस्पॉन्स देने की है, कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ जो मतलब ऐसे मतलब कहीं कुछ कॉमेंट्स कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ वेंटिलेटर वाली बात कर रहे थे। तो देखो वेंटिलेटर पे मेरा भाई है, लेकिन वो ऑक्सीजन की वो प्रॉब्लम है, बस एक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसके लिए डॉक्टर ने जो प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की, जो भी दिक्कत थी वो डॉक्टर ने कर दिया, एंडोस्कोपी कर चुके हैं उस चीज़ की। बट ये कि टाइम लगेगा, मतलब हम जो उम्मीद हमारी जो होप है, देखो हम लोगों का क्या है ना, देखो जब तक सांसें चल रही है ना हमारी ज़िंदगी में, इंसान परिवार पूरी उम्मीद रखता है, पूरी उम्मीद हम लोग पूरी 100% उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हाँ डॉक्टर्स की टीम है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स है ना, पूरी अच्छी टीम है, तो वो पूरा ध्यान रख रहे हैं मेरे भाई का, पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे भरोसा है, तो ट्रस्ट है। तो इतनी सी भी थोड़ी सी लीड मिलती है ना, बस अगर बस मेरे भाई का क्या है ना इस टाइम की, वो ऑक्सीजन लेवल सही हो जाए, बस ऑक्सीजन लेवल अगर वो नॉर्मल लेवल पे धीरे धीरे भी आ जाए, मतलब क्योंकि देखो अभी सिर में भी आपको मैंने बताया काफ़ी चोटें हैं, तो वो भी डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, सांस की भी हर चीज़ की दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो अभी क्या है ना, देखो उसको दवाई दे रहे हैं, तो दवाई से क्या होगा ना, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिलेगा ना, रिजल्ट मिलेगा उन दवाइयों से। अब जैसे जैसे देखो शरीर में जैसे चोटें हैं, वो दवाइयों से उसका दर्द कम होगा, सूजन कम होगी धीरे धीरे, तो जैसे सूजन कम होगी तो दिमाग की पे भी चोटों का भी जैसे भी वो कम होगा, मतलब दवाइयों से वो सूखेंगे, जख्म सूखेंगे, तो धीरे धीरे थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, एक मिनट, धीरे धीरे जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे ठीक होगी ना, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लो अभी ऑक्सीजन लेवल कम है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे, तो 4-5 दिन में जैसे इतने सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं मतलब वेंटिलेटर के थ्रू कि सपोर्ट मिले, एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिले, तो धीरे धीरे कम कर देंगे वेंटिलेटर को 4-5 दिन बाद, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट दिखेगी शरीर में कि वो अपने आप से मतलब कर रहा है चीज़ें। तो इसीलिए तो अभी तो हमें तो देखो मेरी हमारी फैमिली को पूरी उम्मीद है, हम तो उम्मीद यही रख रहे, उम्मीद हम क्यों ना करें, हम तो परिवार फैमिली है, तो हम तो पूरा ये रखते हैं कि हाँ ठीक होगा हमारा भाई, पूरी होप्स रखते हैं।
क्योंकि वो इतना भी कर रहा है, देखो मुंह से आवाज निकाल रहा, आंखों से इशारा करना, उसमें हमें तो पूरी 100% होप मिल रही है कि हाँ ठीक हो जाएगा। और देखिए फिर हम बस इतना उम्मीद कर रहे हैं हर रोज भगवान से प्रे करके, बस ये वेंटिलेटर हट जाए, वेंटिलेटर हट के वो नॉर्मल खुद से सांस ले पाए। उसके बाद देखो एक बार डॉक्टर ये कह दे कि हाँ अब उस जोन से बाहर आ गया है मेरा भाई, उस जोन से बाहर आने के बाद हमें वो नहीं है कि रिकवरी, रिकवरी चाहे साल में हो जाए, पूरी बॉडी की रिकवरी 2 साल में हो जाए, बस वहाँ से निकल जाए, उस जोन से निकल जाए कि भाई खुद सांस ले पा रहे हैं। और ऑपरेशन से पहले वो खुद सांस ले पा रहा था, वो खुद से जब सांस ले रहा था उसका 95 आ रहा था ऑक्सीजन लेवल। ये ऑपरेशन के बाद मतलब खुद से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले वो ले रहा था 95 पर ऑक्सीजन लेवल उसका ठीक था, फिर अभी डाउन हो गया है। कितना डाउन हुआ है वो मैंने पूछा था डॉक्टर से, उन्होंने मुझे नहीं बताया कितना डाउन हो रहा है, उन्होंने कहा था कम है, लेकिन कर रहे हैं उस चीज़ का, हम अभी वो भी चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, कुछ ना कुछ देखो होता है। देखो दवाइयाँ इतनी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है ना, कुछ ना कुछ हर चीज़ का देखो डॉक्टरों के पास कुछ ना कुछ है ना ट्रीटमेंट है, तो धीरे धीरे देखो डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं भगवान ही होते हैं, तो उनका वो करेंगे ना अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं मतलब उस चीज़ को कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की। धीरे धीरे बढ़ेगा ना, एकदम से कैसे बढ़ जाएगा, एकदम से टाइम लगेगा कुछ चीज़ों में, 4-5 दिन तो लगेंगे ना धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में, तो वो चीज़ है बस हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरे उम्मीद है, हम पूरा टाइम बस यही होता है कि नहीं हो जाएगा ठीक 1-2 दिन में, 4-5 दिन में, हमारे हम बिल्कुल भी नेगेटिव या कुछ नहीं सोचते हैं इस तरीके से, हम नहीं थॉट लेकर आते दिमाग में कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है, बस हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। इवन मैं अभी कल मैंने मूवी देखी वादा रहा नाम से एक है, वो भी देओल की फिल्म, बैठ के मैंने फ़ोन भी चला ली थोड़ी आगे आगे कर करके फॉरवर्ड करके, जैसे मम्मी पापा और हम सब बैठे हुए थे कमरे में मैंने तब देखी, मुझे इतनी हिम्मत मिली, मैं इस टाइप की फिल्म चीज़ें देख रही हूँ इस टाइम, जिसमें पेशेंट जो है ना बुरे से बुरे उसमें था कि मतलब एक्सीडेंट से रिकवर हुआ, जिस किसी ने देखी हो ये फिल्म तो बताना कॉमेंट करके, तो उसी तरीके की जैसे कुछ चोटें हैं जैसे ना, तो मैं वो चीज़ देख रही थी कि देखो कैसे मतलब विल पावर से ठीक हुआ इस तरीके से, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, मैं गूगल पे भी मैं कुछ भी नेगेटिव देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर हम नेगेटिव दिमाग को लेके जाएंगे ना कि ऐसा है वैसा हो जाए का, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम जो थोड़ा बहुत हमारी जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल टूट जाएगी, कि अभी जैसे हम कर पा रहे हैं जितना भी मतलब हम विजिट कर पा रहे हैं, बेड से भी नहीं उठ पाएंगे ऐसे तो हम, तो मतलब हमें बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग में लाना ही कुछ नहीं है। मैं मेरे भाई के पास भी जाके वहाँ बैठ के बात करके आती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई पॉजिटिव सोचना है, दिमाग में ये सोच कि तू ठीक हो रहा है, तू बिल्कुल अपने पाँव पे चल के घर पे घूम रहा है, ठीक है अपना जन्मदिन साथ में सेलिब्रेट कर रहा है, अभी 4 दिन बाद 14 अगस्त को मेरे भाई का जन्मदिन भी है, तो मैंने कहा साथ में घर पे बैठ के हम सेलिब्रेट करेंगे, खुद अपने हाथ से तो केक काटेगा ये सोच, ठीक है फिर रक्षाबंधन भी बनाना है, बस दिमाग में कुछ भी ये नहीं लाना, सिर्फ ये सोच कि हाँ बिल्कुल तू ठीक है, ठीक है। और मैं डॉक्टर वो मेरे भाई के पास जब खड़ी होती हूँ यही बातें उसको बताती हूँ कि भाई डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, सब कुछ अच्छा है इस तरीके से, क्योंकि देखो पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत मैटर करती है, अब जब हम पॉजिटिव दिमाग में सोचते हैं ना कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा, तो उस चीज़ अच्छी होती है। तो मैं बस यही चीज का सोच के ना मैं बिल्कुल भी देखो हम लोग पूरा परिवार बिल्कुल नहीं सोच रहा है कुछ भी कि नेगेटिव हुआ है ऐसा है, नहीं सब कुछ हम यही सोच रहे हैं नहीं सब अच्छा होगा, ठीक है नॉर्मल बिल्कुल बैठना है, अभी नॉर्मल रहना है और वो भी नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल ठीक, ठीक है हर रोज एक एक दिन करके जैसे जैसे निकल रहा है टाइम है ना वैसे वैसे रिकवरी होगी धीरे धीरे, बस यही दिमाग में है हमारे, हम सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं तो स्टोरीज पढ़ती हूँ इस टाइम भी, उस पे गूगल पे स्टोरीज पढ़ती हूँ जो इस तरीके की क्या बोलते हैं जिसमें मेजर मेजर एक्सीडेंट्स हुआ लोगों का, मतलब 2-2 महीना रहे, 2-2 महीना कोमा में भी रहे, वेंटिलेटर पे भी रहे, 3-3 महीने बाद लेकिन वो ठीक होके घर आए हैं, ऐसी ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, मतलब ऐसे ऐसे मतलब पेशेंट्स ने खुद ठीक होने के बाद अपनी स्टोरीज डाल रखी हैं गूगल पे, तो मैं पूरा दिन में ना 4 से 5 इस तरीके की स्टोरीज पढ़ती हूँ, क्योंकि उन स्टोरीज को पढ़ के ना मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, मेरे को ये लगता है कि नहीं यार हो जाएगा है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ना अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं, और जो भी मतलब मेरे भाई का भी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे मतलब उसने मुंह खोला, मुंह से थोड़ा सा आवाज ली है ना, आंखें ऐसे छपछपाई है, बीच में ऐसे करा तो नाम लिया, ठीक है पहचाना है मेरे को उसने,
ठीक है, मेरे को कल भी उसने मेरे को देखा, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ डॉक्टर ऐसे कर देते हैं उसके, ऐसे करते हैं ना जैसे, तो वो आँखें एकदम से खोलता है, तो वो मेरे को पहचान लेता है, मेरे को पहचानना है उसने दोनों बार, मेरे को अच्छे से पहचानना है कि हाँ निधि है, बहन है, आई हुई है, उसे मेरे को पहचानना है। तो बस उसको उसकी हिम्मत बढ़ानी है, हमें हिम्मत खुद की नहीं तोड़नी है, उसको हिम्मत देनी है, मेरे भाई को ठीक करना है और वो होगा ठीक, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरा भाई बिल्कुल ठीक होके जाएगा, हॉस्पिटल से जाए निकलेगा और हम साथ में बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा भाई। तो अभी जो थर्ड वीडियो है, मैंने दो वीडियो भेज दी, तीसरी वीडियो मैं दिन में ही शूट करूँगी, अब 1-2 बजे के आसपास जब मैं फ्री होंगी, विहान के साथ कुछ एक्टिविटीज़ वीडियोज़ के साथ कुछ इस तरीके से शूट कर लूँगी विहान के साथ। तो बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरा भाई बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और होगा वो ठीक, होगा ठीक है, होगा वो ठीक है, बस ठीक है, ठीक होगा वो एकदम बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा।